अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय कोडमिक सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अब आपके शहर रीवा में। हमारे यहाँ ग्राफिक्स डिजाइन और यूआई यूएक्स वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बत्रिका टावर अंगूरी बिल्डिंग के पीछे सिरमौर चौराहे के पास रीवा। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का डैम घोटाला इन दिनों सुर्खियों में है। यहां 243.95 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद अब तक डैम का निर्माण नहीं हुआ है। हैरानी की बात यह है कि डैम निर्माण की रकम कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 2018 से 2020 के बीच जारी किया था। उस समय पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने डैम और पानी की नहर बनाने के लिए कंपनियों को एडवांस में ये रकम जारी की थी। यह पूरा मामला जिले के अंतर्गत आने वाले गोंड वृहद सिंचाई परियोजना से जुड़ा हुआ है। इस घोटाले का पर्दाफाश होते ही प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। बताया जा रहा है कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने हैदराबाद की एक कंपनी को डैम बनाने का ठेका दिया था। इसमें खास बात यह रही कि डैम निर्माण के लिए 243.95 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने एडवांस में ही कर दिया। डैम बनाने की आखिरी तारीख 28 मार्च 2024 तय की गई थी। दूसरी तरफ 5 साल बीत जाने के बावजूद अब तक डैम का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। यही नहीं, डैम के निर्माण के लिए एक पाइप तक नहीं बिछाई गई। स्थानीय बीजेपी विधायक राजेंद्र मिश्राम ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। उन्होंने परियोजना की प्रगति के बारे में सवाल उठाए हैं, हालांकि उन्हें भी अब तक इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। अब विधायक राजेंद्र मिश्राम ने दावा किया है कि मौजूदा मोहन यादव सरकार ने डैम के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में पर्यावरण मंत्रालय ने NOC मांगी जा रही है। विधायक के अनुसार साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने एक कंपनी को एडवांस में निर्माण का पैसा जारी किया था, लेकिन कंपनी ने कुछ काम नहीं किया। इसके कुछ महीनों बाद ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट हो गया और प्रदेश में शिवराज सिंह की अगुवाई में दोबारा सरकार बनी। कांग्रेस सरकार के जाने के बाद डैम के निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगरौली जिले के जालपानी गांव में जाकर देखा गया तो वहां धरातल पर डैम से संबंधित किसी भी निर्माण कार्य के निशान नहीं मिले। इस पूरे मामले में जालपानी गाँव की तीरक पनिका ने बताया कि यहाँ गोंड सिंचाई परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका मुआवजा भी मिल गया है, लेकिन आज तक डैम नहीं बन पाया। डैम बन जाता तो हम लोगों को के लिए पानी मिल जाता। गांव के सुनील ने बताया कि गांव में जमीन अधिग्रहण के समय यह आश्वासन दिया गया था कि बांध बन जाने से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जमीन का अधिग्रहण करीब 6 साल पहले हुआ था, लेकिन आज तक उस अधिग्रहित जमीन पर बांध का निर्माण नहीं हो पाया है। देवसर सरई क्षेत्र के 132 और धौहनी विधानसभा के कई गांवों को मिलाकर 33,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए गोपद नदी के जालपानी गांव का गोंड बांध बृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण का प्लान था। प्रशासकीय स्वीकृत मिलने पर 29 मार्च 2019 को इंजीनियरिंग और मंटेना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के भागीदारी वाले संयुक्त उपक्रम से अनुबंध किया गया। विभागीय सूत्रों की माने तो मंटेना कंस्ट्रक्शन, जिसे शुरुआत में 1-2 बिल का भुगतान किया गया था, उसका सामान भी आ गया था। इसके बाद जो 10 से 11 बिल जारी किए गए उसकी सामग्री आई ही नहीं। ऐसे गोपद नदी पर गोंड बृहद सिंचाई बांध परियोजना का बांध तो नहीं बन पाया, लेकिन सरकारी राशि का करीब 243.95 करोड़ रुपए इस अदृश्य बांध की अदृश्य धारा में बह गए। अब मामला सामने आने के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। सिंगरौली कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने गोपद नदी पर गोंड बांध नहर परियोजना का शुभारंभ किया था। उन्होंने बताया कि इसके लिए फंड भी जारी हो गया था और काम भी शुरू हो गया था। अरविंद चंदेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार गिरते ही और बीजेपी सरकार आते ही ना तो बांध बना और ना ही पाइपलाइन डाली गई। उन्होंने दावा किया कि भुगतान बीजेपी की सरकार में हुआ और बीजेपी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ, मैं उसे जांच की मांग करता हूँ। सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जाँच होगी। उन्होंने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की बात कही है और कहा कि धरातल पर डैम बनेगा और किसानों के लिए सिंचाई का भी फायदा होगा। विधायक जी, आपने अपने विधानसभा में सवाल उठाया था कि कितनी पाइपलाइन बिछी है, सरकार ने अभी क्या जवाब दिया है? ये पाइपलाइन, मेरा प्रश्न देवसर विधानसभा की गोड़ परियोजना का था। मैं जब 2013 से 18 के कालखंड में मैं जब
क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बना। उस समय में मुझे जरूरत महसूस हुई कि क्षेत्र में बड़ा काम क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि क्षेत्र के विकास के लिए खेतों को पानी कैसे मिले, तो कोई ऐसी परियोजना हो जो बांध बन सके, तो हमने उस दिशा में काम किया। तो गोपत नदी पे जालपानी जगह है, तो गोड़ परियोजना के नाम से उस परियोजना का नाम हुआ। और वो बात हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी से निवेदन किया, उन्होंने सहर्ष हमारी बात को स्वीकार किया और उसको हमें बजट भी दिया और वो योजना शुरू भी हो गई, धरती पे भी आ गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कालांतर में जब कांग्रेस की सरकार आई, 15 महीने की सरकार, तो वो परियोजना से, गोड़ परियोजना का सीधा बगैर काम के 200 करोड़ रुपए निकाल लिए गए, कोई काम नहीं हुआ, रसातल में चली गई वो योजना, शून्य पे खड़ी हो गई। उसके बाद में पुनः फिर भाजपा की सरकार आई तो हमने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। कुछ दिनों बाद फिर हमें चुनाव आए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मुझ पर विश्वास जताया, मुझे टिकट मिला और मैं फिर से जनप्रतिनिधि चुनकर आया। तो मैंने पहला काम किया कि जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था गोड़ परियोजना, जो हमारे संपूर्ण देवसर विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ा लाभ का विषय होगा, इसलिए हमने फिर उस पर काम करना प्रारंभ किया और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संज्ञान में दिया। उन्होंने संवेदनशीलता के साथ उस योजना को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए उन्होंने सभी आला अधिकारियों की बैठक ली और अपने निर्देश जारी कर दिए कि वो योजना पुनः प्रारंभ हो जाए। और मैं, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आने वाले 4 महीनों के बाद वो काम धरती पे चालू होगा। 132 गांवों को देवसर विधानसभा के लाभ मिलेगा और 72% देवसर विधानसभा सिंचित होगा। मेरी पड़ोस की विधानसभा है धौनी, उसको भी इसका लाभ मिलेगा, उसमें 28% वहाँ का क्षेत्र सिंचित होगा। अभी वास्तविक स्थिति की क्या है और कितनी पाइपें बिछी? वास्तविक स्थिति तो यह है कि पूरा कांग्रेस की सरकार ने रसातल में डाल दिया था, शून्यता पे खड़ी है। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद अब वो गति पकड़ लिए हैं इन्वायरमेंट का, चूंकि अब 2 बांध बन रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने पहले 1 बांध बनना था, उन्होंने 2 बांध की स्वीकृति दे दी, तब वो 2 बांध बनने, तो इसलिए इन्वायरमेंट की स्वीकृति NOC लेना पड़ेगा, वो भी प्रक्रिया चालू है। मैं खुद भी दिल्ली गया था, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, और हमारे शासन के अधिकारी भी पूरे निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। और मुझे गर्व है कि मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री बहुत जल्दी आने वाले 4 महीने में ये पवित्र परियोजना धरती पे देवसर विधानसभा के उतर जाएगी। अगर पाइपलाइन नहीं बिछी है आपके वहाँ अभी भी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पूरी तरह कांग्रेस, वो सभी जानते हैं, स्पष्ट है, सीधा 200 करोड़ रुपए बगैर काम के निकाल लिए थे। आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने बगैर काम के 200 करोड़ रुपए निकाल लिए थे, इसके लिए सरकार क्या करेगी? जांच बैठाएगी जो दोषी हैं? सरकार के संज्ञान में दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दूंगा, ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। तो सरकार क्या जांच करवाएगी? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दूंगा और निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा कि जांच होना चाहिए। सरकारी संपत्ति का या सरकार के धन का ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अ न्यूज अपडेट इज स्पॉन्सर्ड बाय कोडमिक सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अब आपके शहर रीवा में। हमारे यहाँ ग्राफिक्स डिजाइन और UI/UX, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बत्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा।